पेट के आसपास बहुत ज्यादा चर्बी जमा हो गई है, तो मात्र 15 दिन में मेरी इन एक्सरसाइजेस को फॉलो कर लीजिए, अल्टीमेट रिजल्ट आपको खुद हाथों हाथ दिख जाएगा। सिर्फ 15 दिन में, यस यही मेरा चैलेंज है। कौन कौन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है कमेंट बॉक्स में डन जरूर लिख देना। लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए, वीडियो स्टार्ट तो आप करिए, उसके बाद पूरा फॉलो भी करिए, लेकिन एंड में जो इम्पोर्टेंट टिप दूंगी उसको जरूर फॉलो करना, तभी आपको बेहतर रिजल्ट मिल पाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपको इस तरीके से प्लेस करने हैं मैट पर, दोनों लेग्स को पहले स्ट्रेट कर लेना है, वन लेग आपका अंदर इस तरीके से डाउन आपने लेकर जाना है, मैट से आपका नी टच नहीं होगा, मेक श्योर, फिर अदर लेग को लेकर जाना है, फिर स्ट्रेट, फिर स्ट्रेट। क्योंकि अगर आप इसमें नी को मैट से टच करेंगे तो आपके पेट को सपोर्ट मिल जाएगा, वहां पे आपकी कोर जो है स्ट्रेंथन नहीं होगी, खिंचाव महसूस नहीं होगा, वहां का फैट रिड्यूस नहीं होगा। तो इसको इसी तरीके से परफॉर्म करना है जैसे बताया जा रहा है। स्टार्टिंग में होल्डिंग थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, उसका भी एक सब्स्टिट्यूट बता रही हूँ अभी हाथों हाथ, तो वो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। वन लेग करा, आगे लेकर आए, होल्ड करा 10 सेकेंड्स, देन डाउन, अदर लेग करा, होल्ड करा 10 सेकेंड, देन डाउन, अदरवाइज इस तरीके से। रिलैक्स, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरीके से करना है, प्लैंक पोजीशन में आना है, बॉडी को आगे लेकर जाना है, जितना आगे लेकर जा सकते हैं, पेट पे पूरा खिंचाव फील होगा, देन बैक। रिलैक्स, तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की, ठीक है? अब आपने क्या करना है, आर्म्स को इस तरीके से मैट पे प्लेस कर लेना है, ठीक है, ऐसे कर लिया, देन उसके बाद में प्लैंक पोजीशन में आए, मतलब थोड़ा सा बॉडी अप रहेगा, वन लेग अप जो आएगी, डाउन, अदर लेग अप एंड डाउन।
आई होप ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा है तो प्लीज वीडियो को जमकर शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर दो, पेज पर हो तो फॉलो कर लो। अब बारी आती है इंपॉर्टेंट टिप की। इंपॉर्टेंट टिप ये है कि जो भी आप मील ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, आपने थोड़ी देर के लिए ब्रज आसन में बैठना है इमीडिएटली, ठीक है। स्टार्टिंग जो इसका टाइमिंग है 5 मिनट से रहेगा और उसके बाद आप इसको ग्रेजुअली 1 घंटे के लिए भी बैठ सकते हैं। आप इसके टाइमिंग बढ़ा सकते हैं जितना हो सके। इसमें क्या होता है बेसिकली, जो आपका लोअर बॉडी है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, सारी आपकी जो पेट की अग्नि है वो ज्वलित हो जाती है ज्यादा, मतलब खून का दौरा ऊपर की बॉडी में ज्यादा होता है, नीचे हमने इस तरीके से फोल्ड करा तो रुक जाता है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की बॉडी में फास्ट होता है तो मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हमारा फास्ट हो जाता है, डाइजेस्टिव जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी वो दूर होती हैं, खाना आपको अच्छे से पचेगा, तो जो भी आप खा रहे हैं उससे सारे न्यूट्रिएंट आपको मिलेंगे, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, आपके बाल हेल्दी रहेंगे, आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है, और आपका वजन कम होना स्टार्ट हो जाएगा। एक और टिप दे देती हूँ इसके साथ में कि जब भी आपको भूख लगती है, चाहे आपने कुछ थोड़ा सा खाया उसके बाद भी आपको क्रेविंग फील हो रही है, तो आपने सबसे पहले 1-2 ग्लास पानी पीना है, क्योंकि कई बार हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि उसको भूख लगी है या प्यास, तो जब आप प्यास पानी पी लेंगे तो ऑटोमेटिक आप नोट करेंगे कि आपकी भूख खत्म हो गई है। अगर पानी पीने के बाद भी आपको लग रही है तो जितनी भी भूख है आपको हमेशा उसे थोड़ा कम खाना खाएं। आप नोटिस करना कि जब आप ऑलरेडी डे बाय डे कम खाना स्टार्ट करेंगे अपनी भूख से, तो आपका जो खाना है वो पचना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी भूख से ज्यादा खाना खाते हैं तो वो आपको पचता नहीं है और वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, आपके शरीर में सड़ता है और सिर्फ मोटापा और बीमारियां देता है, ठीक है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी ईशा को ऐसे ही प्यार करते रहें।